वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं, ईद तजदीद है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कहीं जाना नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना। ये मैसेज मैं हर दफा, जब भी एक दफा फिर से आपसे मुलाकात होती है, आपको देती हूँ कि प्लीज घरों में रहें। ये फासले मोहब्बतों का सबूत है, वर्चुअली मिलें, लेकिन कोविड ऐसे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ऑफिशियल में भी था कि टीवी को ये दरख्वास्त कर रहे थे हुकूमत के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम लगाएं, लोगों के लिए मूवीज लगाएं, ड्रामास लगाएं, ट्रांसमिशन करें। तो ये ट्रांसमिशन आप ही के लिए कर रहे हैं, बैठें, देखें, एंजॉय करें और लोगों की बातें सुने, हमारे गेस्ट की बातें सुने, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में जो पहले गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें उनका मैं इंट्रोडक्शन कराते चलूं। एक्स मेयर लाहौर, और एक्स में कहूं या ना कहूं, ये मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूं। हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया हुआ है। मेयर लाहौर, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं, मेयर लाहौर हमारे साथ मौजूद है, कल रिटायर्ड मुबशिर साहब। कल साहब आपको पता है, मैं असल में सार्कास्टिक हो रही थी, ताकि जो बुजदार है ना उसे पता चले कि वो कंटेंट ऑफ कोर्ट का मुर्दा। मैं सार्कास्टिक हो रही थी कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है ना अभी तक, आपको पता है ना, उसकी नोटिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर ऑफ गवर्नमेंट इज सुपीरियर। लॉर्ड मेयर, लॉर्ड चलिया के सारे भैन भरावां के हाथ जोड़ के कहने कि एक तो यह मास्क लाओ, दूजा 6 फुट का फासला रखो, साडा तो कोई 10 का है जी जी, ते जिवें तुसी नेड़े नेड़े बैठे आ भी ठीक है, सर साडा मुंह इधर नहीं है, असी रुख नहीं है, जिस तरह तुसी रुख नहीं होड़ के अंज गल करो, जिवें हमारा तो उधर है मुंह, मेरा इधर है मुंह जी। बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब मौजूद हैं, जिनको आप सुन ही चुके हैं। एक खूबसूरत सा मैसेज भी उन्होंने दे दिया कोविड के हवाले से। सर, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ हमारी दूसरी बड़ी प्यारी सी गेस्ट ऐसी मौजूद हैं, जो एक ऐसा सितारा है शोबिस इंडस्ट्री का, तो जब से जगमगाया है, जगमगाता ही चला जा रहा है। वो होता है ना कि एक तो आपने एक दफा ऐसे ब्लिंक किया एंड देन यू आउट, नहीं, आप कंटिन्यूअस वहां पर रहो, दैट्स व्हाट मैटर्स। और हुमैरा अर्शद इज वन ऑफ दोज जो स्काई पर अभी तक ब्लिंक ब्लिंक कर रही है। ये आपका तो गाना था ना, मेरी बोलती मेरे च मेरा यार बोलता, ये कर्नल साहब ने मुझे मेरे प्रोग्राम में सुनाया था, जिसका मियां साहब की बात हो रही थी, कहते मैं नहीं बोल रही मेरे से मेरा यार। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत हमेशा की तरह बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग मुझे सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा चले सर, आप ही से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जी एजेंसी है वो सुन रही है ना, वो मैं नहीं बोल दी, मैंने उनको पहले आप ही बता दिया कि कर्नल साहब ने क्या मेरे से मेरा यार बोल रहा है, जो भी बोल रहे हैं मेरा यार बोल रहे हैं। तो कैसी गुजरी ईद सर घर में? सब हाली तो शुरू है ना, तुम फट गया, हाली तो पूरी नहीं हुई, हूं शाम पेगी, लोग आन जान गए, फिर हूं सर तुम मेरे ख्याल में सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो, हूं तो जफ्फिया भी नहीं पा सकते, तो फरदौस आशिक वान कहती है कि पप्पिया भी नहीं लै सकते, उन्हें टीवी से दसिया इस वास्ते, हूं तो भरा गल परे परे दी है, ठीक है ना, दूरों दूरों ही मिलो, दूरों दूरों ही मिलो। बाकी ये गल है कि कल का मेरा प्रोग्राम है कि लाहौरों जरा बाहर निकल जाए बंदा। अच्छा, आपने कोई यार दोस्त पिंडा पुंडा दे वेचो, बड़े खुशहाल ने, लस्सी लुस्सी पियो, मक्खन शक्खन खाओ, वो कहते ने करोना लाहौर ही रखो तुम, साढ़े हाल नहीं है। और अलहमदुल्ला अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिड़िया लाहौर दियाँ सराउंडिंग एरियाज ने पिंडा दे वेच, देर इज नो करोना, उसके कोई केसेस वहां, खुली आबो हवा, सोशल डिस्टेंस वैसे ही वहां पर रहता है, अपने अपने चारपाई पे बैठे हैं सारे, बॉडी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हार्डशिप्स हैं, इम्यूनिटी बहुत है, काम करते हैं खेतों में। आपको कोरोना हुआ था ना? हाँ जी, एक दफा वो कोरोना पॉजिटिव आया था, मैं खबरों में पढ़ रहा था, दुआ है कि आइंदा ना हो, क्योंकि 2-3 दिन जो सन काफी औखे गुजरे सर। बट सर मैं की करा, सिटी 42 ते बैठा हुआ, तो तुसी सामने बैठे हो, तो फिर मेरे को उर्दू नहीं बोली जाती। आप इधर देखें, आप इधर देखें, आप उस तरफ जाए ना, देखें लाहौर, सब समझे सारा लाहौर आपके साथ बैठा हुआ, बहुत मेयर लाहौर बैठे हुए हैं और अच्छा शेरे लाहौर बैठा हुआ। ये मैंने क्या कह दिया, ज्यादा गाने पंजाबी के जब गाती है ना तो खूबसूरत करता है, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरे सारे फेवरेट एक एक कोई जो बहुत पसंद हो आपको लगे, ये नहीं, मुझे कोई ऐसे जितना पसंद नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ही पसंद है, मैं ठीक है, नॉर्मल है। वोट कास्ट करती हैं आप? मैंने जिंदगी में पहली दफा किया था, वैसे इमरान खान को दिया था। ओहो, ऐसे खुश है आप उससे? नहीं, देखिए आपने क्या, मैंने कहा खुशी से, देखिए खुशी तो अगर इमरान खान नहीं होते, कोई भी और होता, हम उससे भी हैप्पी नहीं होते। जितने लोग हमारे पीछे गुजरे हैं, हम सबसे ही नाराज थे, शुक्रिया, लेकिन एक बंदे से मैं तो खुश थी, हमारे आर्टिस्ट खुश थे, वो परवेज मुशर्रफ साहब। जब उनका दौर था तब बहुत अच्छा, मतलब सब लोग जो थे वो हैप्पी थे,
इस तरह की चीजें, ये जो सब कुछ था, बीइंग एन आर्टिस्ट, एनवायरनमेंट भी था, उसके अलावा फाइनेंशियली भी, जो भी जिस भी शोबे के लोग थे। और उस दौर में एक ऐसा भी इतफाक करेंगे, जो नाजिम था, जो मेयर साहब, बड़ा ही ताकतवर था, सीएम से ज्यादा ताकतवर था। हाँ, वो ये होता है ना, आपको पता है कि डिक्टेटर के तो हाथ में लामहदूद इख्तियारात होते हैं, ना कोई असेंबली, ना किसी को जवाब दे। नहीं सर, लेकिन ताकत दी सर, आवाम को ताकत बहुत होती, ताकत उस आवाम को देगी। चले, हम क्यों पॉलिटिकल बातों पर जा रहे हैं, ये बातें नहीं करेंगे हम, बिल्कुल वापस आएंगे। मेरा जी, ईद का आगाज कैसे करती है आप? ठहर जाए पहले, मुझे जरा पूछने दे, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ तो आप पूछिए उनसे, मैं बाद में जवाब दे देती हूँ। आप पूछिए, ईद कैसे गुजारती हूँ, कैसे गुजारती हूँ ईद? जैसे नॉर्मल लोग गुजारते हैं, हम लोग भी वैसे ही गुजारते हैं। और सबसे पहले तो वही ईद की नमाज है, उसके बाद अम्मी को, घर वालों को कॉल्स हैं, मीठा है, और उसके बाद मीठे में आज आपने क्या खाया? मीठे की भी ना इतनी वैरायटी आ गई है हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर, समझ नहीं आती है। ईद की जो स्पेशल चीज है वो तो सिर्फ सवैया, वो अम्मी मेरी बनाती होती है, उसका टेस्ट डिफरेंट ही होता है, तो वो उसी से ही जो है वो हर चीज का आगाज। जबरदस्त जी, और आपको खुद बनानी आती है? जी, मुझे बनानी आती है। वाह, वेरी नाइस जी। बस अब आपको अपना रैपिड फायर राउंड मिल गया। हाँ, मैं ढूंढ रहा था। आपके लिए बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल पूछो बट सा सवाल बड़ा वड़ा पाया जी। नहीं, रैपिड फायर की तरह पूछने हैं, पांच सवाल। हाँ, पहला सवाल ये है, कौन सी एक्ट्रेस के साथ आपको घूमने का मौका मिले तो आप कहेंगे कि मैं इनके साथ जाऊंगा? महविश हयात, आयजा, सजल अली और माहिरा खान। यार, इनका तो हमें पता नहीं है, आज भी अगर संगीता जी इस हालत में भी मुझे मिल जाए तो मैं उनके साथ इंजॉय करने जाऊंगा, क्योंकि हम बूढ़े हैं ना, वो तो खवातीन बूढ़ी नहीं होती हैं। संगीता जी से आपने पूछा कि वो बूढ़ी हैं कि नहीं है? नहीं, जब मैंने उनको देखा था उस वक्त, तो मेरा ख्याल है आज की जितनी भी अदाकारा हैं माजरत के साथ, वो उन सबसे ज्यादा ब्रिलियंट थी, खूबसूरत थी, खूबसूरत थी, और क्या एक्टिंग थी। दौर दौर की बात होती है, आपको अपने दौर की वो पता है, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने अपने तौर पर बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, हमें इनका पता नहीं है ना। बड़े हो गए हैं सर, आपकी प्रायोरिटीज और हो गए हैं, अब आप उस तरफ चले गए हैं ना, पॉलिटिकल। हाँ जी, आने दो। कौन सी सियासतदान के साथ आप लंच पर जाना चाहेंगे? शीरी मजारी, जरताज गुल वजीर, फिरदौस आशिकवान। शीरी मजारी इज वेरी इंटेलेक्ट, आपको पता है किसी जमाने में ये, अभी तो पॉलिटिक्स में आ गई हैं, थी नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडिटर भी रही, एडिटर भी रही हैं, लेक्चर देने आया करती थी, और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह था, और आज भी उनकी जो लिटरेसी का लेवल है उसका मद्दाह हूँ। फिरदौस आशिकवान के बयानात ये आप देख लेना क्या। हाँ, उन्होंने पहले मना कर दिया। हाँ, चले आगे, कौन सा वजीर आजम आपको बहुत पसंद है? इमरान खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी। देखें, मुझे तो वजीर आजम आपने नाम नहीं लिया, तो आपका तो एक ही है ना, मैंने मेरा मियां नवाज शरीफ है, और इसके अलावा अगर किसी को पसंद किया तो वो जुल्फिकार भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। बिल्कुल ठीक है, हो गए जवाब। अगला सवाल, अगला सवाल है, कौन सी उम्र का हिस्सा पसंद है आपको अपनी? बचपन, लड़कपन, जवानी या बुढ़ापा? जब से होश संभाला, ऐशो इशरत, पढ़ाई, तालीम, वजीफे, अच्छी जॉब, सियासत में आए तो आपको अच्छा ओहदा, इज्जत दी, इज्जत कमाई, तो सारा कुछ ही अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि इंसान को जिंदगी भर अच्छा ही अगर वो है, दूसरों के साथ अच्छा है, तो फिर आप भी अच्छे हैं, एंड यू कीप इंजॉइंग। अभी आई एम इन लेट 60s, तो आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। आखिरी सवाल है आपके साथ, बड़ा अहम है, लाहौर की पांच मशहूर जगहों के नाम बताएं। ये रैपिड फायर है, 5-4 रहने वाली या मशहूर? चुपड़ी, शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, दाता साहब, लाल किला, अपना फोर्ट किला, लाहौर का किला, शाही किला। बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड मेयर जी, आपके लिए सवाल आने वाले हैं, खाने पीने से मुतालिक सवाल पूछूं या ऐसे ही जनरली हर फील्ड से रिलेटेड, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है और सवाल हम पूछेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं अभी ठहर जाओ, थोड़ा सा हौसला, लोगों को इतनी जल्दी क्यों बताना है, फौरन से क्यों पूछना है, ब्रेक लेनी है। जो चीटिंग तो नहीं कराएंगे आप? नहीं, करा भी सकती हूँ, मेरी फेवरेट है। एक छोटी सी ब्रेक है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
याकूत वो जहन में एकदम से आ गए। बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ साथ मीठी ईद है और अब मीठा सा सवाल है ये, कोई से पांच डिजर्ट के नाम बताएं। अच्छा जी, खीर, फिरनी, सवैया, शीर खोरमा और गुलाब जामुन। चीटिंग कराई है आपने, मेरी फेवरेट है ना इसलिए। कोई बात नहीं। अपने अलावा कोई पांच पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम बताएं। मैडम नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली साहब, फरीदा खानम और मुसर्रत नज़ीर। एक रह गया। जुनेद जमशेद। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप कोई भी ज्वेलरी की पांच चीजें बताएं। बड़ा आसान है, ऐसे गिनने आसान है। हाँ, ऐसे। अंगूठी, चूड़ियां, हार, टिक्का और एयरिंग्स। इशारे से मुझे समझ आ गई थी ये चीटिंग नहीं है, मैं एक्चुअली नोटिस कर रही थी। और गर्मियों के, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टाइम मार्जिन दे देंगे। गर्मियों के कोई पांच फलों के नाम। गर्मियों में शौक से क्या खाती हैं आप? गर्मियों में पांच फल, तरबूज, खरबूजा, पपीता और आम और केले। वेरी नाइस। और मैं यही कह रही थी आम इतना लेट क्यों आया, मुझे लगता है आपको आम पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पसंद है लेकिन वो थोड़ा सा लिस्ट में लेट है। पसंद है आम? हाँ, बशर्ते कि उस तरह ही खाइए जो असि छोटे छोटे से। जैसे कहते हैं ना, बना दे पार्टी बर्फ पा के तो क्या पा के ठंडे करके तो फिर ठंडे देसी आम मजा ही फिर आज चूसने वाले देसी आम सब देसी हाथ मुंह ये वो सब खराब। अच्छा जी, लास्ट सवाल ये, पांच परिंदों के नाम बताएं। ओए, ये सारे इम्तिहान मेरे लिए सुनना चाह रही थी मैं। सीएसएस का पेपर देना है सब। परिंदों के नाम बताओ पांच। पांच वजीर आजम के नाम भी थे आप देख। तोता, कबूतर, कौआ, मैना और बुलबुल। अरे वाह, बड़ी जबरदस्त और जल्दी जवाब दे दिया आपने, वेरी नाइस। ईदियाँ देती हैं आप वैसे इसी आसानी से कि जैसे आपने जवाब दे दिए मुझे? हाँ, मैं देती हूँ। नहीं मांगने लगी सिर्फ आपसे मांग रही हूँ ईदी। लेकिन होता है ना घर में छोटी ईद, असल में कहा जाता है बच्चे जो है वो चिमट जाते हैं सुबह से शुरू। मेरी, हम लोग माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं और 6 भाभियाँ मेरी, हर बहन भाई के 4-4 5-5 बच्चे। तो फिर तो आपको अच्छा खासा ईद की बजाय मुझे हर जो त्यौहार है वो सब कुछ देना पड़ता है और मैं बहुत खुशी से देती हूँ। आपको हर त्यौहार पे कमेटियां डालनी चाहिए। नहीं, कमेटियां नहीं, वो जाहिर है मेरे बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं या कुछ है, उन्हें एक उम्मीद होती है कि फैमिली में सबसे पहला जो उन्होंने मैसेज भेजना है या उनको पता है कि भाई इधर से मिलनी है, तो वो ये वाली खाला, ये वाली फूफो सबसे पहले गिफ्ट भेजवाएंगे, तो उनको पता होता है कि ये जो है ये सबसे ज्यादा हमें जो है वो सबसे पहले मांगे बिना देगी भी। और इस तरह मतलब हमारे वो जो भी है चांद रात पे उन्हें ले जाना, खाना खिलाना, ईद देना। इस दफा तो वैसे बड़ा मिस किया होगा क्योंकि सब कुछ बंद था, चांद रात हुई नहीं। नहीं, लेकिन हम घर में तो कर सकते हैं ना। हाँ, घर में तो घर में हम लोगों ने सारा जो खाना पीना ही होता है ज्यादातर, तो मेरी तो भाभियां वगैरह लड़कियों की एंटरटेनमेंट मोस्टली खाना ही रहता है। माशाल्लाह जो भाभियां हैं वो जब हम लोग इस तरह बैठते हैं तो हर मेरे भाई और बहनें जो एक एक डिश बना के लाते हैं तो वो 7-8 पूरी दावत 10 डिशें माशाल्लाह बन जाती हैं और फिर बड़ा मजा आता है। तो यही हमारी वैसे भी एंटरटेनमेंट यही है। वेरी नाइस। कर्नल साहब, आपको शौक है, अब तो आप माशाल्लाह दादा भी हैं, बच्चे भी हैं, इनसे पूछो कि वो ईदियां शीदियां पूछने में ठहर जाए, मेरा फेवरेट टॉपिक है। कर्नल साहब मुझे लगता है बड़े जनरस हैं, ईदियां शीदियां दे देते हैं आराम से, है ना, पोतों को भी। आपने पता ना रोजों में तोहफा दिया था तो मैंने कहा था कि आप ले लो दोनों। हाँ, याद है ना, उन्होंने कहा कि मुझे जो गिफ्ट दिया वो भी तुम ले लो, मैंने कहा नहीं आप लेके जाएं। डू यू रिमेंबर दैट? हां, सर दिया था। एंटरटेनमेंट लॉर्ड से क्यों खत्म हो गई? हां, एंटरटेनमेंट क्यों खत्म हो गई? सिर्फ खाना पीना। लॉर्ड मेरे को पूछो, एंटरटेनमेंट क्यों खत्म हो गई? ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? उस्मान बुज़दार से पूछें। सर, आपके दौर में वैसे नहीं थी। कौन सी नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था इनके दौर में, तो बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, मेरे दौर में साउंड सिस्टम में पाबंदी, शादी हॉलों पे पाबंदी, थोड़ा सा कहीं तो वो प्लीज हम तो दुआएं मांगते थे या अल्लाह इनको ले जा कहीं से, ये साउंड सिस्टम की पाबंदी खत्म हो या शादी नहीं है। तो कोरोना आ गया, बिल्कुल ही पाबंदी हो गई, वो तो एक चले अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये फनकार की शिकायत है जो हमने उस दौर में देखी वाकई। हां, बड़ा मुझे याद है कि एक दो दफा हुआ था कुछ कंप्लेंट वगैरह आई थी, तो मैंने कहा था नहीं यार उनसे आप लिखवा लो, फूल हो के जरा विदंदा
वो एक जो इखलाकी रवायात है उनके दरमियान। उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट तो कोई नहीं है, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं। सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट जो हमारे पास के लिए इतने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है वो हम लोगों की है मैरिज सेरेमनीज। वो एंटरटेनमेंट सबसे जो फैमिली एक एंजॉय करती वो ये था, वो भी जो 3 घंटे की जो है उसमें खाना भी कई जगहों पे तो हम लोगों ने देखा कि लोग खाना भी नहीं खाए, मतलब अभी दूल्हा दुल्हन भी नहीं पहुंचे तो हॉल का टाइम खत्म हो गया और 9:30 बजे लाइटें जो है वो बंद हो गई। और मतलब कि इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं हर पहलू के। मतलब जैसे आप देखते हैं यूरोप में 7-8 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाते हैं। वो यूरोप में भाई रीजन ये कि स्टार्ट अर्ली। देखिए यूरोप का या बाहर के मुल्कों का मुकाबला आप यहाँ नहीं कर सकते। वो भी तो लाइफ एंटरटेन एंजॉय करते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ पे पानी का इशू नहीं है, वहाँ पे सड़कों का इशू नहीं है, लोग रिक्शों पे नहीं आते, लोग जो है बच्चों की वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए, इवेंट्स खत्म हो गए, कोई कॉन्सर्ट नहीं रहा, एनओसीज मतलब सिर्फ आपके लिए मेले लग रहे हैं, मेला है एनओसी के लिए। इतने मसले कि आर्टिस्ट सोचते थे यार रहने दो, हमने करना ही नहीं साहब के दौर में। और आपको मैं एक बात बताऊं कि उमरा कितने हैं, औसतन जो तबका है वो कितना है और गुरबा कितने हैं। ये उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए एक तरफ तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता था और एक तरफ लोग तरसते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया भी हो तो हम शादी कर लें। और ये जो टेलीविज़न आया है ना, इससे और भी जो महरूम तबका है जिनकी आमदन कम है, तो जब ये टेलीविज़न पर बड़ी बड़ी शादियाँ देखते हैं और सोशल मीडिया पर शादी देखते हैं और 10-10 डिशें पक रही हैं, तो आप उन लोगों का सोचें जो मुआशरे में 80% हैं और जिनके पास एक देग जो है वो गोश्त की पकाने के और 4 देगे 7 चावल। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर सबको सोचना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट फिर भी मेहंदी की रस्म जो होती है कहीं ज्यादा होती है कहीं थोड़ी होती है, वो होती जरूर है, लोग घरों में कर लेते हैं या 100-200-300 की इजाजत है उसमें कर लेते हैं। तो ये वो जो बहुत बड़े बड़े हल्ले गुल्ले और हजारों की लोगों का आना और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस थे उन पर किसी हद तक पाबंदी थी। लेकिन मेरा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, कई बहुत सारी चीजें थी जो जहाँ पर एंटरटेनमेंट देनी चाहिए थी लोगों को बताना चाहिए था कि भाई आओ लाहौर शहर मेले ठेलों का शहर, और सारा कुछ चुके साइड पे किथे रखता सी यार। अच्छा अब तो खैर देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट इट, अभी तो हमें इस पेंडेमिक से गुजरना है। रिकॉर्ड बदल लो। हां अभी तो हमें इस पेंडेमिक से गुजरना है और कोई मेला नहीं लगाना, कोई फेस्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ अपने घरों में एंजॉय करना, फैमिली के साथ ऐसे बाउंड होकर ना आपने वो करना है। इस हिस्से को मैं इग्नोर कर चुकी हूं, कोई शेर नहीं सुनेंगे हम, एक छोटी सी ब्रेक है फिर आएंगे। टेक अ ब्रेक। जबरदस्त बहुत 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 फेवरेट ट्रैक है ये मेरा। आप गिफ्ट की तरफ चले हैं। गिफ्ट लिखे हैं जी। और साहब के लिए यूनिवर्स सलीम शेख साहब को जानते हैं आप, जवेद शेख के भाई हैं। जी बिल्कुल, ये उन्होंने नया सूट जो अपनी रेंज लॉन्च की है, क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है यूनिवर्स के साथ, और हुमैरा जी के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सलीम शेख साहब का। आप मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बेटे के दोस्त भी हैं, ये आपको सलीम शेख साहब की तरफ से गिफ्ट। मैं बोल रहा हूं ईदी दे दी है, मैं नाराज होने लगी हूं, मैं इधर हो गई हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि मेरे अंकल भी हैं तो मैं जरा इनसे बहुत ज्यादा करता हूं। जी 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 जी, नुमैरा जी आपके लिए हील्स की तरफ से ये गिफ्ट हैंपर और असगर अली परफ्यूम की तरफ से ये गिफ्ट। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन हमारा जी आप हमारे साथ ही रहेंगी अभी जी। अभी हमने लाहौर बड़ी बातें करनी है और वो जैसे कहते हैं ना कि लाहौरियों को और एंटरटेन भी करना है और आपके फैंस जो हैं जो इस वक्त टीवी आपको आपको और सुनना चाहते हैं आपको। जी जरूर। तो सर आपने क्योंकि घर पे गेस्ट भी आपने कहा आए हुए थे, तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कीमती वक्त है, तो इंशाल्लाह सर दोबारा मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, मैं सिटी 42 नेटवर्क का जो है वो तय दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। थैंक यू। और हमारी पूरी जो टीम है सिटी 42 की, वी आर वन। थैंक यू सो मच जी। एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर हूँ।